कांड की नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने तेरह आरोपियों को लेकर बेऊ जेल से सीबीआई कार्यालय पहुंच गई है जहां उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है ये वही तेरह आरोपी हैं जिन्हें पटना पुलिस ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था और इन्हीं लोगों से पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम पटना पुलिस की टीम ने नीट पेपर का वो प्रश्न पत्र बरामद किया था जिसे जलाने की कोशिश की गई थी सीबीआई की टीम इन सभी से अब पूछताछ करेगी और कई अहम पहलुओं को खंगालने की कोशिश होगी सीबीआई के लिए अभी भी मास्टरमाइंड संजीव मुखिया एक बड़ी चुनौती बना हुआ है जिसकी गिरफ्तारी सीबीआई की टीम सुनिश्चित करना चाहती है सीबीआई कार्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज एटीन संवाददाता संजय कुमार नीट पेपर कांड की जाँच कर रही सीबीआई की टीम बेउर जेल से तेरह आरोपियों को लेकर पटना के इसी सीबीआई कार्यालय में पहुंची है और यहाँ पर पूछताछ शुरू हो गई है दरअसल पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर पंद्रह दिनों का रिमांड मिला है ये वही तेरह आरोपी हैं जिन्हें पटना पुलिस ने मई महीने में गिरफ्तार किया था इसमें सिकंदर यादेंदू अमित कुमार अमित प्रकाश और नीतीश कुमार ये तमाम ऐसे नाम हैं जो नीट लीक कांड में महत्वपूर्ण सूत्रधार रहे हैं उनकी अहम भूमिका रही है रॉकी भी फिलहाल सी भी के गिरफ्त में है और जो पूछताछ हो रही है उसमें एक तरफ रॉकी है दूसरी तरफ ये तेरह अभियुक्त हैं तो निश्चित तौर पर सीबीआई ने जो प्रयास किया था आखिरकार उन सभी की रिमांड उसको मिल गई है और अब सीबीआई की टीम पूछताछ कर कई अहम पहलू है कई तथ्य हैं कई फैक्ट्स हैं जिनको इन आरोपियों से पूछताछ के बाद निकलवाना चाहती है सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी संजीव मुखिया बना हुआ है जो इस पूरे नीट पेपर लीकांड का मास्टर आरोपी है पुलिस जो सीबीआई की टीम है उस तक पहुंचना चाहती है और निश्चित तौर पर जो पूछताछ होगी जो अहम सुराग मिलेगा उससे संजीव मुखिया की गिरफ्तारी जो है वो तय हो पाएगी देखना होगा पूछताछ में क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है और इस पूछताछ के बाद क्या कई और गिरफ्तारियां होती हैं फिलहाल सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है पंद्रह दिनों तक ये पूछताछ का दौर जारी रहेगा जिसमें सीबीआई की टीम कई अहम पहलुओं को खंगालेगी कैमरा पर्सन मनीषा के साथ संजय कुमार न्यूज एटीन सी कार्यालय पटना